दिस इज एक्सेल एडवाइस। आपने फिल्टर के पहले पार्ट में डेट वाइज सॉर्टिंग देखी, ये अब हमारे आप दूसरे पार्ट में आप टैक्स वाइज सॉर्टिंग देखेंगे। हमने लास्ट टाइम फिल्टर लगाया था अपनी शीट के ऊपर एंड नाउ हम सॉर्टिंग कर रहे थे डेट की, लेकिन अब हम सॉर्टिंग करेंगे टैक्स की। टैक्स की सॉर्टिंग हम किस तरह करेंगे, पहले हम इसे दोबारा से एक दफ़ा शुरू से परफॉर्म करते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। ने हाँ के फिल्टर हटा दिया। नाउ हमने बात करी थी जब हम सारे कॉलम सेलेक्ट करेंगे तब हमारे पास फिल्टर लगेगा, अगर बीच में एक भी रह गया तो फिल्टर नहीं लगेगा, इसलिए हमने सारे सेलेक्ट किए एंड देन फिल्टर लगा दिया। अब हम टैक्स वाइज सॉर्टिंग करेंगे। अब हम चाह रहे हैं, हमने रीजन के टैब पे आगे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स खुल गया हमारे पास। हम यहाँ पर हैं, हम टैक्स फिल्टर में आए, टैक्स फिल्टर में आके हमने बोला बिगिंस विथ, एक ऑप्शन है बिगिंस विथ। अच्छा, जिसके आगे डॉट डॉट लगे हुए हो, जैसे ये लगे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है अब ये कोई डायलॉग बॉक्स आएगा एक और, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये कोई सवाल पूछेगा हमसे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने एक डायलॉग बॉक्स दे दिया। अब ये पूछ रहा है बिगिंस विथ व्हाट, हमने बता दिया बिगिंस विथ डब्ल्यू ई, यानी जो डब्ल्यू ई से शुरू होने वाला टैक्स है वो ऊपर ले आओ। ओके, अब देखिए इसने सारा जितना भी डब्ल्यू ई से शुरू होने वाला था वेस्ट वो पूरा ऊपर लेकर आ गया टैक्स। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, दोबारा यहाँ पे आते हैं, टैक्स फिल्टर एंड्स विद आखिरी के अल्फाज, आखिरी के कौन से अल्फाज हों जो ये सॉर्ट करे, हमने बोल दिया आखिरी के TH। ओके, अब जिसके एंड में TH आ रहा है ये उसको उठाकर शुरू में लेकर आ गया। तो टैक्स फंक्शन हमारी सॉर्टिंग में बहुत मदद करता है किसी भी टैक्स को। अब ये तीन जो कॉलम है हमारे पास ये तीनों टैक्स के, इसी तरह हम सेल्स पर्सन जहांगीर पे आते हैं, यहाँ पे आके हम करते हैं इक्वल्स टू कैटेगरीज हमारे पास हैं चार, जहांगीर, कामरान, उस्मान, हमने बोला इक्वल्स टू जहांगीर, जहांगीर की जितनी भी इंट्रीज है वो दिखा दो। अब ये सारी जहांगीर की इंट्रीज लेकर आ गया। इसी तरह हम दोबारा यहाँ पे हमने इसको रिमूव किया एंड देन इक्वल्स टू के ऑप्शन में है, यहाँ पे हमने इसको बोला लेस देन सेलेक्ट किया एंड देन हमने बोला लेस देन जहांगीर, जहांगीर के अलावा जो तीन है उनकी दिखा दो एंड ओके। देखें इसने जहांगीर के अलावा सबकी दिखा देगा यहाँ पर एंड देन रिमूव। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कंटेंस के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे चार कैटेगरीज हैं, हमने इसको बोला कंटेंस कामरान एंड ओके, तो इसने हमें कामरान की सेल्स दिखा दी, जितनी भी कामरान की सेल्स है इसने हमें सारी सेल्स कामरान की दिखा दी। इसी तरह हमने इसको बोला कंटेंस उस्मान, तो ये हमें उस्मान की सारी सेल्स दिखा देगा एंड देन रिमूव। अच्छा, यहाँ हमें कुछ चेक्स नज़र आ रहे हैं, अगर हम इसे अनचेक कर दें, मैं जहांगीर को अनचेक कर दूं एंड ओके कर दूं, तो यहाँ से जहांगीर की जितनी भी सेल्स हैं या जितनी भी इंट्रीज हैं हमारे टैक्स से गायब हो जाएंगी। तो हमारा जो टैक्स फंक्शन होता है हमें बहुत मदद देता है कि हम उस वर्ड को निकाल लें जो बहुत छुपा हुआ है और जिस तक हम पहुँच नहीं सकते, तो फिल्टर फंक्शन हमें सॉर्टिंग में बहुत आसानी देता है। एंड विजिट आवर साइट www.excel advice.com for next part।
थैंक यू।